जिब्रील ने अजान पड़ी अर्ज की दिया सारे नबी ने मुसल्ले ते किनू खड़ा करना है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जेड़ा सारियां चू सोना लगदा है उन मुसल्ले ते खड़ा कर दे। जिब्रील ने कमली वाले दा दामन पकड़ के खड़ा कर दिता। नबी करीम ने फरमाया जिब्रील वेख मेरा बाबा आदम पीछे खड़ा है, मेरा दादा इब्राहिम पीछे खड़ा है, हुसैन दी नगरी दा ताजदार यूसुफ भी खड़ा है, फूका मार के मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा भी खड़ा है, अल्लाह ना गल्ला करने वाला मूसा भी खड़ा है, पूरी कायनात शहनशाह सुलेमान भी खड़ा है। अर्ज की कमली वाले आओ फैसला मैं नहीं किया अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने फरमा जिब्रील जड़ा सोना लगता है। कमली वाले आ मैं सिदरातुल मुंतहा ते वेखे आओ मैं जमीन दी तबसरा ते वेखे आओ मैं जमीन ते कायनात दे मशरिक ओ मगरिब वेखे नबियां दियां सब जाती मारी तेरे जिया सोना मैनू लपाई कोई तकरीबन हर मुसलमान नु इस आयत मुबारक दा तर्जमा याद है, जिन्हों नहीं भी तर्जमा याद वह भी इस आयत मुबारक नु सुने तो दिल खुश हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। पंजाबी दा सादा जे तर्जमा इरशाद फरमाया महबूब असा तुहानू नहीं भेजिया मगर सारे जहाना वास्ते रहमत बना के। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि महबूब असी तुहाडी वजह तो रहमत नाजल करने है, नहीं फरमाया महबूब असा तुहाडी जात नू रहमत बना के भेजिया है। एक लख चौबी हजार का मुबेश अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए। आदम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलाम नु जमीन पे अपना खलीफा बनान वाला मां। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नु फरमाया इन्नी जाइलुक लिन्नास इमामा, मैं तुहानू लोगों का इमाम बनान वाला। दाऊद अलैहिस्सलाम नु फरमाया या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम असी तुहानू जमीन पे अपना खलीफा बनान वाले हां। नबियां दी वारी आई ते अजमत देन दे वादे कीते ते इरशाद फरमाया कि साडा इरादा है कि असी तुहानू खलीफा ते इमाम ते अजमत देन वाले हां। जदों आई ना मुस्तफा दी वारी ते अल्लाह ई नहीं फरमाया कि बनान वाले हां, फरमा तेनु सोणिया बना के रहमत भेजिया है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरन व दाईयन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, फरमाया सोनिया तेनू नबी बना के शाहिद बना के मुबशिर बना के नजीर बना के दाई इल्लल्लाह बना के माजून बना के सिराज बना के मुनीर बना के भेजिया है। यानी अल्लाह ने सारियां अजमतां इकट्ठियां करके जिहड़ियां सारे नबियों नू अता कीतियां सन विच होर मिला के मुहम्मद की झोली चुपा दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इस आयत मुबारक के अंदर इतनी वसअत है कि जितनी आलमीन के अंदर भी नहीं। याद रखिएगा अल्लाह तो इलावा हर चीज नु आलमीन किया जाता है, अल्लाह तो इलावा सारा कुछ आलमीन है। अहले इल्म ने फरमाया कि अल्लाह ने 18,000 मखलूकात पैदा फरमाईया, 18,000 किस्म दिया, ते अपने महबूब नु हर एक वास्ते रहमत बना के भेजे। जदों आई ना अपनी वारी ते अल्लाह ने फरमाया अपनी रबूबियत दा इजहार फरमाया। हुन मैं पढ़ा कुरान जी आखो सुभान अल्लाह भाई, मेरे को वक्त बड़ा थोड़ा जे, मैं हर सूरत 10 बजे बयान शुरू करना सी कि 11 बजे मैं इतों निकलांगा तकरीबन, अगर मोटरवे खुली रही तो मैं 12-12.5 बजे तक लाहौर पहुंचना है। तो थोड़ी सुभान अल्लाह, अगर मैं जगान वाले पेंडे पै गया तो फिर वक्त ज्यादा लग जाएगा, तो तुम आप ही जाग जाओ सुभान अल्लाह बोलो, मैं तुम्हें डायरेक्ट मदीने छोड़ा वा। स्टेज वाले हो तुम थोड़ा थोड़ा मेरा हौसला बधाई जाओ, मैं पता लगे मैं अपने च बैठा वा, जिन्होंने याद है कि मैं हाथ नाल ही लेके आया सा वो अपना ते नाल दे दा हाथ चुके बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा होर जोर लगाओ भाई, नहीं मैं पता है तुम सियाने हो, जोर कोई नहीं लगा रहे, मैं भी थोड़ा जहा सियाना हो गया, तो हूँ जोर लगा के बोलो बोला सुभान अल्लाह।
भाई ये तो मन दियो ना कि अल्लाह का वादा है मेरी राह च एक दे मैं दस देवगा। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं कि पैसे उसकी राह च कुरबान करिए तो दस नहीं, उसकी राह च जो भी कुरबान कर दी है ना अल्लाह वो दस गुना ज्यादा देता है। शहीद क्यों देता है? क्योंकि उन्हें अपनी जान अल्लाह की राह च कुरबान कर दी। अल्लाह परमा तू एक जान दी असी तेन इंज की जिंदगी दे देवे जी कदम खत्म ही ना होगी। आवाज भी उसकी राह च कुरबान कर दो अल्लाह दस गुना होर आवाज अता फरमा देगा। भाई हाथ नहीं तुसा खड़े किए, हाथ उठाना जिंदा बंदे की निशानी आती है। मैं सरकार के जूंदे जागते दीवाने ना गल करनी, अपना ते नाल देता भी हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे, हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ च अपने अबू नाल उमरा करके आवे, जेड़ा इस तो उच्चा बोले अजे घर जाके सौवे ते खाब च कमली वाला आवे, ते तेरा की जाता जेड़ा इस तो उच्चा बोले ना जे जाग दे महफिल च हजूर दी ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين परवरदिगार ने रिजा फरमाया हम तो सारियों से अल्लाह वास जेड़ा रब العالمین अपनी बारी आई फरमाया मैं रब्बुल आलमीन जदू कमली वाले दी बारी आई फरमाया वला अरसलक इल्ला रहमतल लिल आलमीन इधर फरमाया तबारक अल्लजी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीर। किधरे फरमाया कमली वाले तेनु रहमत लिल आलमीन बनाया, किधरे फरमाया तेनु नज़ीर लिल आलमीन सारे आलमीन डर सुनाने वाला बना के भेजिया। नौजवान अपनी बारी आई फरमाया रब्बुल आलमीन जद यार दी बारी आई फरमाया तू रहमत लिल आलमीन। नौजवान रब दा माना पालने वाला जदू मापिया दी बारी आई अल्लाह ने फरमाया वकुरा बिर अमुहमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ने फरमाया मापे भी औलाद वास्ते रब देने क्योंकि औलाद नु मापे भी पाल देने रब दा माना पालने वाला। अपनी बारी आई फरमाया मैं रब्बुल आलमीन यार दी बारी आई फरमाया रहमतुल आलमीन। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत दे सौ हिस्से की दे फरमाया एक हिस्सा अल्लाह ने पूरी कायनात च तकसीम कर दिता 99 रहमत अल्लाह ने कयामत ली रखिया ने। नबी करीम ने फरमाया जेड़ी एक रहमत रब ने दुनिया से भेजी उस रहमत की वजह से लोग एक दूजे नाल प्यार कर देने। नबी करीम ने फरमाया मापे भी औलाद नु पाल देने ते उस रहमत की वजह तू पाल देने ओ जंगल दे दरिंदे जेड़े लोगों के बच्चे खा जाते हैं जेड़े दूसरे जानवरों दिया बच्चे ते औलादा नु खा जाते हैं वो शेर जेड़ा लोगों की औलादा खा जाते हैं अपनी औलाद नु शेर नहीं भी पाल दी है। फरमाया जे दरिंदे भी अपनी औलाद नाल प्यार कर देने उस रहमत की वजह तू कर देने जेड़ी एक रहमत अल्लाह ने दुनिया से भेजी है। नौजवानों कंजिया वाली वाले कुर्बो जवार दिया ने बाद पता लग गया पालिया रहमत नाल जाता है। माँ अपने पुत्र नु कदे भी ना पाले के माँ दे दिल विच पुत्र वास्ते रहम ना होवे पता लग गया पालन दा तअल्लुक रहमत दे नाल रहमत दा तअल्लुक पालन दे नाल। अल्लाह फरमाया मैं सारे आलमीन नु पालना अर्ज कीती आला रहमत दे बगैर पालिया नहीं जांदा। अल्लाह फरमाया जग पालियो आई ते दसना जाना पालदा मैं या सदके मुहम्मद दे पालना। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। हुण जेड़ा पालदा हजूर दे सदके ओ बोले सुभान अल्लाह।
حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد عمران عاصی صاحب زندہ باد فرمایا زندہ باد فرمایا سونیا پالدا میں ہی ہاں کیونکہ رب ہے نا تے ربوبیت تعلق رحمت دے نال ماں پتر نو کدے نہ پالے جی ماں دے دل چ رحمت نہ ہوے معلوم ہو گیا کہ رب نے فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین دسنا چاہنا کہ عالمین پار دا میواں پر تیری رحمت دے صدقے پالنا وا گرامی قدر حضرات پتہ لگیا آ جڑا دنیا تے کھان پین دا تے پالن پلان دا نظام نہ اے صدقے محمد دے پیا چلدا اے اے کملی والے دے صدقے چلدا اے میں آسان کر کے عرض کراں اے ہن جا کے کوئی مین سوئچ آف کر دے وے فیکٹری دا مین سوٹ کوئی آف کر دے وے تے جڑی مشین تسی لوہے دا کم کر دیو سرجی کل دا او جڑی مشین چل دی ہوگی اوتھے ہی رک جاوے گا اگر کوئی کھیلن دا سامان سیال کوٹے جو بنا رہے مین سوئچ آف کر دیتا جاوے ساری فیکٹری دا نظام آف ہو جائے گا بند ہو جائے گا دھاگے والی مشین اگر چل رہی تے کپڑا بن رہے دھاگے رک جاون گے مشیناں رک جاون گیاں اے ہن محفل دے دوران اگر کوئی مین سوئچ اٹھا دے وی لائٹنگ بند ہو جائے گی ساؤنڈ سسٹم بند ہو جائے گا مین سوئچ ایک دو تین چار گھنٹے بند رہے دن بند رہے یا کئی سال بند رہے ہر چیز رکی رہے گی جو ہی مین سوئچ آن ہوے گا دھاگا بھی ٹر پے گا اتھوی مشین چل پوے گی ساؤنڈ سسٹم بھی چل پوے گا لائٹ بھی آن ہو جائے گی تو نے یاد نہ کہ میرے نبی معراج کرن گئے تھے چلدا پانی رک گیا وہ جڑے بستر چ حضور اٹھ کے گئے جدو حضور واپس آئے تھے بستر اجے انج گرم سی جویں ہن کوئی اٹھ کے گیا ہے جڑا دروازہ کھول کے گئے اودے کواڑ دی کنڈی اجے پہ ہل دی ہے کہ انج لگ رہا جویں ہن کوئی دروازہ کھول کے گیا ہے حضرت صاحب سیرت حلبیہ نے لکھیا کہ نبی کریم جدو معراج کرن گئے نا تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا او ٹہنی اجے پہ ہل دی ہے تے کملی والا ارچا پرچاں دی سہراں بھی کر کے آ گیا وجہ کی ہے اصل جدو لائٹ آف ہو جائے مین سوئچ آف ہو جائے ہر چیز رک جاندی ہے لائٹ آن ہو جائے ہر چیز ٹر پیندی ہے میرا نبی رحمت للعالمین میرا نبی عالمین دی جان جدو سرکار اس جہان چ اس جہان چ گئے نا تے ہر چیز رک گئی پانی رک گیا کنڈی رک گئی ٹہنی رک گئی جدو جان آئی پانی ٹر پیا کنڈی ٹر پئی ٹہنی ہل پئی کہ جان میرا نبی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کون ہے دی والی رحمت للعالمین نے مطلب کہ عالمین دی جان کملی والا ہے آ جڑا عالمین دا نظام پہ چلدا ہے نا پتہ چلدا ہے پیچھے جان زندہ ہے جڑا حضور نو مندا اچھا بولے سبحان اللہ بھائی جڑا ماندا ہے کہ میری زندگی دا نظام در مصطفیٰ دی وجہ تو چل رہے او بولے سبحان اللہ میں دے دے آگے ہی پڑھیا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سربر انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ان سارے میرے نال نعرہ مارے جے تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری روند نہ مارو کھاندے حضور دا وہ تے سیانے کہندے نے جیندا کھائیے او دا گائیے پھر اسی کیوں نہ کھئے کملی والے تیری نہیں بولے تیری تانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے مینوں سائیاں بڑی سونی جاچ سکھائیے بلاون دی تے آپ جی کہندے نے لنگر بھی ہے تھوڑا تھوڑا گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاندا ہے تے جدی ماں نے دسیا تو پلیا ہی حضور دے لنگر تے او تے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہن میں پڑھنا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری
नहीं इंज नहीं जो मैं आखना सरवरे अंबिया तेरी ते ऐसरा हाथ चुके नारा मार के आख्या जे क्या बात है। अच्छा मैं एक क्यों कह रहा कि इंज हाथ चुके नारा मारना इहदी वजह की है, मेरा तो कोई फायदा नहीं मिंबरे रसूल ते बैठा तुहाडे हाथ खड़ा करन या ना भी पढ़ो तो मैं तो पढ़ ही जाना मेरी ड्यूटी, मगर मैं तुहानू क्यों कह रहा बारिश बरस दी होवे ते प्याला रख दिता जावे उल्टा भर जाएगा नहीं ना, प्याला कदों भरेगा जदों सीधा रखोगे, सीधा भी होवे ते होवे ही भरिया फिर भी कम नहीं चलता, होवे खाली ते साईं भर के भेज देने। मेरे साईं ताजदारी चूरा शरीफ फरमाते होंगे आ फरमाते ने सखी दे बुए मंगता खाली टुर जावे ते मंगते दा कुछ नहीं बिगड़ता, सखिया दे बुए नूं लाज लग जांदी है, इस वास्ते सखी अपने बुए तो मंगते खाली नहीं भेजते। ते फारसी च कहंदे ने कि आवाज़ गदा रौनक दरबार करीम मस्त, जिहड़ी गदावां दी आवाज़ हुंदी है ना एक करीमा ते सखियां दे बुए दी रौनक हुंदी है। सुभान अल्लाह होर आसान कर दे, मैं सुबह सार तुहाडे या मेरे दरवाजे को मंगता आवे किसी चौधरी दे बुए ते को दो मेरासी खलो जावां ते रौनक नहीं लगा देंदे, मुहल्ला इकट्ठा हो जांदा है ते जिहदे बुए ते दो जहां ही मंगते बन के खलोते होवन उस सखी दे बुए किवें दी रौनक लगी होवेगी। गदा दा काम होंदा सदा देना ते सखी दा काम होंदा प्याला भर के भेजना, हुण प्याला रखिया जे सीधा ते रखिया जे भी खाली आना आख्या जे कि मेरा भरिया ही है, भरिया भी होवे सखी कुछ ना कुछ पा ही देंदे ने पर जे आखिया ना भरिया ते फिर वो छलक जांदा है, खाली प्याला सखियां दे बुए लैके आईदा है ते प्याला सीधा ही रखीदा है। ते मैं चाहना वा तुसी ते मैं रल के देईए सखी दे बुए सदा, मैं होर आसान कर देवां साढ़े दरवाजे मंगता आवे ना तो पता की कहंदा घर वाले तेरी खैर होवे, तवज्जो ना ना करिए ते कहंदा घर वाले तेरे कारोबार दी खैर होवे, फिर भी घर वाला तवज्जो ना करे कहंदा तेरे बच्चियां दी खैर होवे। जदों को मंगे ना साढ़े बच्चे दा सदका ते दिल करदा इस मेरे बच्चे दी खैर मंगदा इहनूं कुछ दे के भेजा, मैं अर्ज की या अल्लाह तू भी सखी है जे तेरे को मंगना होवे, अल्लाह फरमा जे आखे ना रब्बा तेरी खैर होवे ते फरमा वल्लाहु खैर, फरमाया मैं रब आप ही खैर हां, जे आखे रब्बा तेरे कारोबार की खैर ते फरमा मेरा कारोबार कोई नहीं, जे आखे रब्बा तेरे बच्चियां की खैर ते फरमा लम यलिद व लम यूलद मेरे बच्चे भी कोई नहीं, ते फिर तेरे को किवें मंगा, अल्लाह फरमा मेरे बच्चे ते कोई नहीं एक मेरा महबूब है ओदियां खैरां मंगदा वी जो मंगेगा दे देवांगा। उन्हें सारी मैं तमहीद इस वास्ते सुनाई है कि तुहानू बात समझ आ जाए कि मैं क्यों कह रहा हाथ चुक के बोलो, असीं आए मंगते बन के सखी दे बुए ते मंगते दा काम हुंदा सदा देना, सखी खाली नहीं भेजदे क्योंकि उन्हां दे अपने बुआ नू लाज लग जाती है, आओ हुण सदा देईए ते आखिए खैरां हुण सोहणिया तेरियां यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी। ओ जे कबर ते हशर दी बात बनाना चाहना ते फिर बोल सोहणिया तेरी, भी ना समझिया कि आसी साहब और शेर पढ़ा रहे ने मैं मिंबर रसूल ते बैठा, मैनू कसम मिंबर वाले रसूल दी जिहदी पहली निगाह नबी करीम दे चेहरे ते पैंदी सी ना उहदे लबां चों निकलदा सी लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, तेरी क्या बात है जेड़ा वेखदा उहदे लबां चों निकलदा मार आई तू शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह, तेरी क्या बात है जेड़ा वेखदा नु कहना पैंदा क अन शम्स तजरी फी वजहही, तेरी क्या बात है जेड़ा वेखदा नु कहना पैंदा अन वजहहू मुबारकुन, तेरी क्या बात है जेड़ा वेखदा नु कहना पैंदा अन वजहहू लैसा बिवजहिल कद्दाब, तेरी क्या बात है जेड़ा वेखदा नु कहना पैंदा अन वजहहू बरकत मुसहफ, तेरी क्या बात है। मैं सारिया हादीस इस वास्ते पढ़िया कि तुसी पढ़ो, हुण भी ना पढ़ो तो फिर रोंद पे मार दियो, हुण मैं पढ़ा यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी, भाई हाथ चुके नारा लगाओ सारे तेरी, अजे भी नहीं सारे बोले तेरी, तो आइए सारे मिलके पढ़िए यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी, तेरी तेरी क्या बात है यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया।
नबिया तेरी क्या बात है सबे मेराज एक लख चौबी हजार नबी मस्जिद अक्सा दे अंदर खड़े ने मेरे कमली वाले दी सवारी आई आके नबी करीम नबिया दिया सभा च खलो गए नौजवानों जिबरील ने अजान पड़ी अर्ज की दी अल्लाह सारे नबी ने मुसल्ले ते किनू खड़ा करना है अल्लाह ने फरमाया जिबरील जेड़ा सारे चो सोना लगदा आई उन मुसल्ले ते खड़ा कर दे जिबरील ने कमली वाले दा दामन पकड़ के खड़ा कर दिता नबी करीम ने फरमाया जिबरील वेख मेरा बाबा आदम पीछे खड़ा है मेरा दादा इब्राहिम पीछे खड़ा है हुसैन दी नगरी दा ताजदार यूसुफ भी खड़ा है फूका मार के मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा भी खड़ा है अल्लाह ना गल्ला करने वाला मूसा भी खड़ा है पूरी कायनात शहनशाह सुलेमान भी खड़ा है अर्ज की कमली वाले आओ फैसला मैं भी किया अल्लाह ने किया है अल्लाह ने फरमा जिबरील जड़ा सोना लगता है कमली वाले आ मैं सिदरतुल मुंतहा हाथ वेखे आओ मैं जमीन दी तुसरा ते वेखे आओ मैं जमीन ते कायनात दे मशरिक को मगरिब वेखे नबियां दियां सभा च जाती मारी तेरे जिया सोना मैनू लपाई कोई नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी तेरे जिया सोना मैनू जिब्रील भी आखे आफा कहा गर्दीद अम मेरे बुता वर्जीद अम बिस यार खूबा दीद अम लेकिन तो चीजे दीगरी जे तर्जमा करना तेरी बन गई हो तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है यो तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी मैं गल इस वास्ते रोकी है कि मैंने एक गल याद आ गई मिठी जी मैं तुम्हें तो सुना देवा बच्चों चुप साहेब सुबुलुल हुदा वर्शाद ने फरमाया कि एक दिन नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दे नाल हजरत उमर फारूक फरमाते ने कि असीं हजूर दे नाल एक पहाड़ दे विच गए ते एक बड़ा वड्डे बाबा हाजिर होया कहने लगा दूरी अस्सलाम अलैका या मुहम्मद हजरत उमर फारूक फरमाते ने उस बाबे की शक्ल और सूरत बड़ी अजीब सारी है बाबे ने सलाम अर्ज किया नबी करीम ने जवाब नहीं दिता असी बड़े हैरान होके देखिया कि यार रसूल अल्लाह तुसा भी सलाम का जवाब नहीं दे रहे बाबा करीब आया ते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा तू कौन है कहने लगा जी मैं शैतान का बेटा वा मेरे नबी ने फरमाया तेरी उम्र कितनी है कह लगा यार रसूल अल्लाह उम्र दा ते नहीं पता मगर इना याद है कि जदों कबील ने हबील नु कतल कीता सी ना आदम अलैहि सलाम दे बेटे ने उदों मैं छोटा सारा सा ते पहाड़ा ते दौड़दा सा ते लोगां दी चीज़ां चुरा के मैं खा जांदा सा ते लोग लड़दे सन आपस विच ते मैं बड़ा खुश होंदा सा यानी बड़ा पुराना पापी हां नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया किधर आए हैं अर्ज कर दिया कमली वाले आदम तो लैके ते हुण तक मैं सारे नबियां दी ज़ियारत कीती है मदीने दे वालिया जिंदगी दा हुण पता कोई नहीं ते मेरे कोल एक पैगाम है तुहाडे वास्ते नबी करीम ने फरमा पैगाम सुना कह लगा कमली वाले मैं हजरत नूह अलैहि सलाम दे हाथां ते तौबा कर ली सी ते मूसा अलैहि सलाम कोल मैं तौरात भी पढ़दा रहा अर्ज कर दिया मदीने दे वालिया मैं पैगाम ए देन आया कि मैं जिन्ने नबियां नूं अपनी जिंदगी च मिलिया हर नबी ने मैनूं आख्या सी जे मुहम्मद नाल मुलाकात होवे ते मेरा सलाम कह दे तुसा सुभान अल्लाह नहीं फरमाई भाई बाप ते अपना ही सोना लगता है ना उस्ताद ते मुर्शिद ते नबी ते फिर क्यों नहीं बोल दे
ਉਹ ਜਿੰਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਕਹਿ ਲਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ क्योंकि मेरा नबी नबियां का भी नबी है ना बाकी नबी तो आए लोगों के नबी बन के कमली वाला नबियां का भी नबी है मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के रब ने दसिया मेरा भी नबी है जग का भी नबी है नबिया का भी नबी है रब का भी नबी है और रहमत लिल आलमीन सारे नबी अपनी उम्मत वास्ते रहमत बन गया है पर कमली वाला नबिया ने भी रहमत बन के आया है क्योंकि आलमीन च सारे शुमार ने यो तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी मैं एक एक नबी का जिक्र किया ना ऐसे जुमले उते के तेरी क्या बात है यो तो सारे नबी मोहतरम है असि सारे नु मन्ने ला नु फर्रिको बैना अहद मिन रुसुली असि नबियां च फर्क नहीं करदे नफ्स नबूवत दे अंदर सारे नबी बराबर ने पलतिर कर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात जब दर्जिया की वारी आई तो रब ने फरमाया किसी ना रब ने गल्लां कीतियां पर किसी दे रब ने दर्जे बुलंद कर दिते कमली वाले दी जात जिहड़ी वरफा बादहुम दरजात एक दिन अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम अपनी कौम च बैठ के तकरीर फरमा रहे इंजील बरनबास इन्हां ईसाइयां दी चार इंजीलां ने अल्लाह ने एक नाजल की इन्हां चार पंज बना लईआं ने तहरीफात करके ईसाइयां दी अज भी जिहड़ी मोहतबर तरीन इंजील है उहदा नाम इंजील बरनबास है मेरे कोल मौजूद है कोई हवाला देखना चाहे मैं फिर भी हाजिर हाँ इंजील बरनबास के अंदर लिखा है कि एक दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम अपनी कौम में तकरीर फरमा रहे थे तकरीर बड़ी मिठी फरमा दे सन हजरत ईसा याद रखियो तकरीर करना नबूवत का खासा ते नबूवत का फन है नबी किताबा नहीं लिखते नबी तकरीर कर दे एक लख 24,000 सच्चे नबियों चो किसी नबी किताब ने लिखी मिर्जा कादियानी दे झूठे नबी दे झूठे उम्मती कहते हैं साढ़े नबी ने वेखो किनिया किताबा लिखी कितना आलिम सी ये भी उहदे झूठे होने की दलील है क्योंकि नबी सच्चे किताबा नहीं लिखते तकरीर करते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा तिल हसना फरमा सोने अपने रब वाल बुला लोगों सोहनी तकरीर करके अल्लाह ने नबियां ते किताबां नाज़िल फरमाईयां नबियां आप नहीं लिखियां ईसा अलैहि सलाम एक दिन तकरीर फरमा रहे तकरीर एडी मिठी कर दे कि इंजील च लिखिया है एक दिन आप तकरीर फरमा रहे थे औरतां दा भी इंतजाम सी कमाई उठ के खलो गई ते कहन लगी वाह मरियम मैं तेरी अदमत तो सदके जावां एडा सोहना पुत्र नूं जन्म दित्ता जिहड़ा एडी सोहनी तकरीर करदा है ते ईसा अलैहि सलाम फरमान लगे अम्मा मेरी तकरीर सुन के मेरी मां तो वारी ते कुर्बान पे जानी है तू कदे मुहम्मद दी तकरीर सुन लवे आमिना तो पूरी कायनात ही वार दे वे नबी तकरीर कर दे मेरे नबी फरमाया इन्ना मिनल बयान इल्ला सिहरा हुजूर ने फरमाया कुछ बयान कुछ तकरीर ऐसिया होंदिया उन्हां च जादू होंदा है और मैं ते खतीब हां मैं ते सच्ची दसां ते मैं ते उन्हां नूं मुकर्रर ही नहीं बंदा जिहदी तकरीर च जादू ना होए तकरीर होंदी होवे जिहड़ी इन्ना मिनल बयान इल्ला सिहरा होवे अल्लाह दे नबी तकरीर फरमा रहे थे आपने फरमाया वो मुबशिरम बि रसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद फरमा मेरे गुलामो जेड़ा मेरे बाद नबी है उनका नाम अहमद होवेगा एक हजरत ईसा दा उम्मती उठ के खलो गया अर्ज करदा नबी अल्लाह रूह अल्लाह ते तुसी हो मुर्दे नु जिंदा तुसी कर दियो फूका मार के मुर्दे जिंदा कर दियो कोड़िया नु शिफा दियो नबीयां नु अक्खां दियो मुर्दे तुसी जिंदा कर दियो ते गल्लां अहमद दियां पे कर दियो ते ओ जिहड़े अहमद दियां गल्लां कर दियो ओदी शान तुहाडे नाल भी ज्यादा है हुण पढ़ा मैं कुरान भाई मेरी मिल्लत दे नौजवानों मैं तुहाडे सीने च चाहना नबी पाक दी मोहब्बत पैदा हो जाए तुहानू हजूर दे कमाल याद रहन जदों हजूर दे कमाल याद करो तुहानू मुहम्मद दा जमाल नजरी आया करे सुनिए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अल्लाह ने रिजा फरमाया वा उबरियुल अकमह वल्ला बरासा वा उहिल मौता बिइज्निल्लाह अल्लाह दे
नबी ने इरशाद फरमाया बेशक मुर्दियां नु मैं जिंदा करना कोड़ियां नु शिफावा भी मैं देना नबी ने नु अखियां मैं देना उम्मती ने अर्ज की नबी अल्लाह जेड़े मुहम्मद दियां गल्लां करदे हो ओदी शान तुहाडे नालों भी ज्यादा जुमला सुनया अज ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे गुलामा तू शाना दियां गल्लां करना फरमाया मरियम दे पुत्र ईसा नु आमीना दे पुत्र मुहम्मद दी जुती दे तस्मे खोलन दी इजाजत मिल जाए मैं मुकद्दरा दे नाद करया करा मैं अपने मुकद्दरा दे नाद करा मैं मुहम्मद दी जुती दे तस्मे खोलन दी इजाजत मिल जाए सुभान यो तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी तेरी क्या बात है नबिया दा नबी तो रहमतुल आलमीन सुनया उन रल के मेरे नाल पढ़िए यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है रहमते दो जहां इक तेरी जात है ए अभी बे खुदा तेरी रहमत दो जहां इक तेरी जात है ए अभी बे खुदा तेरी क्या बात है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत हाथ उठा के बोले नारे हैदरी अजय मैं रहमत सिर्फ एक मफहूम अर्ज किया सिर्फ एक पीर सैयद कबीर अली शाह साहब आस्थाना चूरा शरीफ तवज्जो है ना सारे दी अपनी बारी आई थे फरमाया रब्बुल आलमीन भाई उन्हें ते सारे आलमीन बनाए ने आलमीन विच उन्हें दुख भी बनाए ने सुख भी बनाए ने उन्हें खुशियां भी बनाइया बीमारियां भी बनाइया वबावां भी बनाइया उते रब ना उन्हें दुख भी बनाए दर्द भी बनाए क्योंकि रब पर जद आई ना सोने दी वारी फरमा तू रहमतुल आलमीन है मैं रब्बुल आलमीन हाँ मैं तो दुख भी दुनिया च बनाए ने क्योंकि मैं रब्बा पर तेनों दुखां दा दारू बना के भेजा है क्योंकि तू रहमतुल आलमीन है याद रखिएगा कि कायनात अंदर कोई है ही नहीं शैतान नू भी मेरे नबी दी रहमत चो हिस्सा मिले जिहड़ा कायनात दा निजाम पिया चलदा है ना सिर्फ रहमत मुस्तफा दी वजह तो चल रहा है नबी करीम ने जिबरील फरमा तेनो भी मेरी रहमत चो कोई हिस्सा मिले अर्ज की या रसूल अल्लाह मिले ना फरमा किवें अर्ज की सुने जदों शैतान नु अल्लाह ने रांदा दरगाह कीता ना हजारां सालां दियां इबादतां एक पासे रह गईयां उहदे सजदे रुकू एक पासे रह गए इन्ने सजदे कीते ने शैतान ने कि अगर जमीन दे एक इंच जगह उते शैतान दा एक सजदा रखा जावे तो जमीन खत्म हो जाए तो उते सजदे फिर भी बच जाते इतने सजदे पर जबरील अर्ज की कमली वाले जिस दिन रब ने शैतान नु फरमाया ना फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम व इन अलैका लानत इला यौमिद्दीन लानत पाके अपने अपनी बारगाह च रांदा दरगाह कीता ना ते मैनू अपनी फिक्र पै गई कि ये ते साडा भी उस्ताद है ते इहदा हाल बनया ते मेरा की बनेगा पर जिस दिन आया ना तू कमली वाले तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह कमली वाले जब कुरान च रब ने मेरी शान बयान की ना अल्लाह ने कुरान च मेरे बारे फरमाया मुताइन सम अमीन मैं उस दिन कमली वाले समझ गया कि बच गया कमली वाले शैतान तेरा अंदर दरगाह हो गया पर आज जड़ा मैं बच गया तेरी रहमत दे सदके बच गया अल्लाह ने इंसान ते जिन्नात नु अपनी इबादत लई पैदा किया मगर हजरत अल्लामा
यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह जवाहिर उल बिहार च लिखते हैं, फरमाते हैं इन्नमा खुलिका लिखिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिबरील नूं रब ने पैदा ही मुहम्मद की खिदमत वास्ते किया है। ते जेड़ा पैदा ही कमली वाले की खिदमत लिए किया होवे ओ रांदा ए दरगाह ते नहीं ना हो सकता। शैतान एक दिन किसी पूछा तेनू भी रहमत मुस्तफा चो हिस्सा मिले, कहिंदा मिलिया ना, पूछा किवें, कहिंदा जिस दिन अल्लाह ने मैनू लानतां दा तौक पा के कढ़िया सी ना उस दिन तो बाद हर रोज फरिश्ता एक मैनू मुक्का मारदा सी, मुक्का मारदा सी ते मैं सत जमीन तो नीचे चला जाता सी और मेरे ते लानत पै जांदी, सारा चेहरा काला हो जाता सी, दोबारा मैनू ठीक किया जाता, अगले दिन फिर मुक्का मारिया जाता। जिस दिन कमली वाले पैदा होए उस दिन तो बाद मैनू मुक्का नहीं मारिया किसे, मैनू एक कमली वाले दी रहमत चो हिस्सा मिले, क्योंकि रहमत लिल फिर बोले जे रहमत लिल आलमीन। एक मिठी जी हदीस सुनावा, यकीन करो ये मौजू इतना तवील है कि मैं देते कई रात गुफ्तगू करा तो हजूर की सिर्फ रहमत के हिस्से किनू किनू मिले ये ते मैं अलहदा गुफ्तगू कर सकना, मगर मैं तुम्हें तो जल्दी जल्दी चंद बात अर्ज करनी है। नबी करीम एक दिन तशरीफ फरमाते एक पेंडू आया, आके कह लगा मुहम्मद सुनया तुम नबी हो, फरमाया जी, कह लगा जे नबी है तो कोई मौजदा वखा, मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया मैं लैके मौजदे नहीं आया, क्योंकि कोई नबी एक कोई दो को तीन को चार, मुफ्ती अहमद याद खैनी फरमाते ने सब तो ज्यादा मौजदे हजरत मूसा लेके आए, ते मूसा अलैहि सलाम दे मौजदे गिने ते नौ बने, कितने कितने फिर बोलो, यानी जिस नबी ने सब तो ज्यादा मौजदे लेंदे उन्होंने नौ सन, पर कमली वाले दे मौजदा दी ते गिनती नहीं ना। फरमाया बुरहान मिन रब्बिकुम, तेनू देख के नहीं बना के मौजदा भेजे आए। नबी करीम ने पेंडू नु फरमाया तू अपनी मर्जी दा मौजदा मांग मैं वखा देना। ओ पेंडू हुण ताए पाए वेख रिया की मंगा की मंगा। अबू जाल ते बड़ा सियाणा सी ना, क्योंकि अबू अल हिकम उन्हें लोग कहते सन हिकमत दा बाप, ये ते नबी करीम ने दसिया हिकमत वाला नहीं, अबू जहल जहालत दा बाप है। वह तो घरों ही कैंकरियां लैके आता तो आके कमली वाले को पुछता जे नबी है तो दस मेरी मुठी है की है। पढ़े लिखे नौजवान उस सवाल दे बेची जवाब कहिंदा जे नबी है ते दस मुठी विच, पता चलिया इन्ना क यकीन ते अबू जाल नू भी है सी कि जेड़ा नबी होवे ओ दस लैंदा है मुठी विच, इन्ना यकीन रखा जे होरे नबी नू दीवार दे पिछे दा नहीं पता, ना ना नबी हुंदा ही होवे जेड़ा दस लवे मुठी विच, नबी होंदा ही होवे कहंदा ही उन्होंने जेड़ा बैठा फरिश्ते होवे ते गल अरश तो पार दी सुनावे। कहन लगा जे नबी ते दस मुठी ए चकी है, नबी करीम मुस्कुरा के फरमाया एक कादी नबूवत होई कि मैं दसा मुठी ए चकी है। कहन लगा फिर नबूवत किनू कहंदे ने, फरमाया नबूवत एवे कि जो मुठी विच ओ दसे मैं कौन आ। अबू जाल कहन लगा ए ते कदे बोले ही नहीं जेड़े मेरी मुठी च ने, हुजूर फरमाया फिर अज पे बोल दे। अबू जाल कहता जब मुठी लगाई ना मकान दे नाल ते मैं हैरान रह गया, कंकरियां मेरिया, हाथ मेरा, मुठी मेरी, कब्जा मेरा, ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के ते कंकरियां मैनू पिया पुछ दिया ने है ते असी भी पत्थरियां, पर तू हो रे किवें दा पत्थर है। आओ ना जरा तसव्वुर च जाके उन्हें कंकरियां नू पुछियो पत्थरो ओ तुहाडी बरादरी ते कदे बोली ही नहीं ते तुसी किवें बोले, ते पत्थर बोल के कहन गए जेड़ा मुहम्मद की इज्जत की वारी भी ना बोले वह को गैरतमंद ते नहीं ना बोलता। वो बोलो सुभान अल्लाह, जेड़ा कमली वाले की इज्जत ते शान वारी भी ना बोले वह को गैरतमंद ते नहीं ना बोलता, पत्थर बोल पे। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह लिखे, हजरत अल्लामा काज़ी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह सीरत दी तमाम किताबों च हदीस पाक मौजूद है। कह लगा मुहम्मद ओ दरख्त नूं कदे बुलावे ना, ओ दरख्त टुर के तेरी बारगाह जावे, तेनू सजदा करे, मुड़ वापस जावे ते मैं भी कलमा पढ़ लवांगा। हजूर मुस्कुरा के फरमाया वो पढ़ेगा तू तैयारी कर। उन्हें आख्या जी बुलाओ दरख्त, हजूर ने फरमाया मैं बुलाया दरख्त ने आ जाना है, फिर तू आखेगा कि मुहम्मद ने दरख्त ने पहले ही को गठ जोड़ करके रखी सी, माज़ल्लाह जिवें काफिर कहते सन जादू कर दिता है, ते तू इंज करना मैं नहीं जाता ना, मैं बुलाना तू जा, ते जाके दरख्त नूं मेरा पैगाम देवी ते मेरे वाले इशारा करके आखी तेनू मुहम्मद पे बुला दे। पेंडू नबी करीम वाल वेख के कह लगा दरख्त मेरे आखे लगेगा,
हजूर ने फरमाया तेरे आखे नहीं लगेगा पर तू डाकिया मेरा बन के जाना है ना, ते जा मेरा पैगाम लेके जा। नौजवानों ने पेंडू दरख्त वा टुरिया जा रहा, एक बारी दरख्त की ऊंचाई वेख दे, एक बारी कमली वाले वाले वेख दे, जेड़े वेले टुरिया टुरिया दरख्त के करीब आया, एंजी दरख्त दे नाल ने अपने लब लगाए, जिमें किसे दे कान च गल करी दी है, लब लगाओ कि उन्हें नबी करीम वाले इशारा किया, कह लगा दरख्त तेनू यो सोना पिया बुलांदा। हुण मैं गल ना करा मेरा गुजारा नहीं होना, ये दरख्त बड़े आश के रसूल होंगे जे। हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक दिन मैं बाग च गया ते फलदार दरख्त ते टहनियां लटक रहियां, विच इक सरू दा बूटा ते सिद्धा ही अकड़ के खलोता, करीब जाके फरमाते तेरी बरादरी झुक के खड़ी, तू बड़ा अकड़ के खलोता है। फरमाते ने दरख्त च आवाज आई, मुहम्मद बख्शा इन्हां नूं यार मिल गया, मैनूं उड़ीकां लगियां होईयां ने। मियां साहब ने फिर उसी दरख्त दे नाल टेक लगाई ते आप लिखिया, आप फरमाते ने सरू आजाद हैरान खलोता, पैर जमीन विच गड्ढे, सरू आजाद। ये पढ़े लिखे लोगों को पता है सरू दे नाल आजाद लिखते हैं, हर सरू दे बूटे नाल आजाद लिखा जाता, क्यों? क्योंकि ऐसा आजाद पौधा है, इनू खिजां भी नहीं सुकांदी, सर्दी होवे गर्मी होवे बहार होवे खिजां होवे यह सब ही रहिंदा ते सिद्धा ही खड़ा रहिंदा है। ये आजाद लफज लिखते हैं, सरू आजाद हैरान खलोता, पैर जमीन विच गड्ढे, उच्चा हो रस्ता वेखे, मता यार कितों सिर कढ़े। ये दरख्त बड़े आशिक रसूल हैं। मैं दलील भी देना, पेंडू कहन लगा ओ कमली वाले पे बुलांदे ने, हदीसे बाकी चौदा दरख्त ने सुनिया, दरख्त जो झुकिया जिवें दौड़न तू पहले पंता झुक दे, पर उलमा फरमा देने ना ना वो दरख्त सजदे च गिर गया ते कहन लगा या अल्लाह केड़े मुंह नाल तेरा शुक्रिया अदा करा, मैनू कमली वाले दा बुलावा आया, किसे दे उम्रे दा टिकट निकल आवे, किसे दी आज दी दरखास्त मंजूर हो जाए, ओ देगा पका के बंड दे, कहंदा मैनूं कमली वाले बुलाया है, उस दरखत नूं किन्ने गुच्छा चढ़े होणगे, किन्नू पता लगे कमली वाले पे बुलांदे ने। नौजवान हदीसे पाक जी आंदा है, इक वारी अगे इक वारी पिछे इक वारी दाएं पाएं लैंदा चढ़दा दखण पहाड़, ओ दरखत झुकदा है, ओने जड़ा पेंडू कह लगा दरख्त और ठहर जा मेनू नाल लई जाओ, दरख्त कह लगा तू आराम ना ले आओ, मैं जल्दी जाना है, यार ने बुलाया है, किधरे बेअदबी ना हो। दरख्त इंज टुर पिया पौंदे पैरी जिवें यार नूं पिछा भी नहीं पिया करदा, टुर पिया जाके अपनी जगह ते लग गया, मगर हुण फर्क है वे अगे उहदियां शाखां अकड़ियां सन हुण झुकियां ने। मेरा ईमान कहिंदा दरख्त जाके ते दरख्तां नूं कहिंदा ते होवेगा आओ ए मेरा तवाफ करो, जिन्हों रब कोल बुला के मिलदा उस नबी ने मैनूं कोल बुलाया जे, मैं सरकार नूं मिल के आया जे। हुण मैं गल की अर्ज करना चाहना, उस दरख्त दियां अखियां हैं नबी करीम ने दरख्त नूं पैगाम भेजा, उन्हें सुनिया भी समझिया भी दौड़िया भी बोलिया भी, किस तरह वजह की मैं होर आसान कर देवा, मेरा हाथ या तुहाडा हाथ है, इस दरख्त इस हाथ विच अखियां भी नहीं अकल भी नहीं इहदे पैर भी नहीं, मगर मैं इस हाथ नूं हुक्म दे रहा कि मेरे सिर ते आ जा, आ गया
मैं इस हाथ नु हुक्म दे रहा माइक नु पकड़ इन्हें पकड़ लिया मैं इस हाथ नु कह रहा कुर्सी पकड़ इन्हें पकड़ ली वजह की ये हाथ ते बेजान है अगर मैं है वहां ते है ना इहदे विच अखियां भी नहीं कदम भी नहीं समझन दी तौफीक भी नहीं पर मगर जो मैं कह रहा ये ओ करदा है वजह की है वजह ये है कि मैं इस हाथ दी जान हां भाई मैं जिंदा ते ये जिंदा मैं मुर्दा ते ये मुर्दा इस हाथ दी जान मैं वहां इहदे विच हरकत मेरी वजह तो है इन्हों मैं जो हुक्म करना वह करता है नौजवान पता लग गया जेड़ा जी दी जान अबे जो आखियां नु करना पैंदा है मेरा नबी कायनात दी जान मेरा नबी कायनात दी जान जेड़ा जी दी जान अबे उन्हों जो आखियां नु करना पैंदा है कमली वाला रहमत लिल आलमीन आलमीन दी जान जायो चन तोड़ लैंदा है सूरज मोड़ लैंदा है पत्थरां दु कलमे पढ़ा लैंदा है दरख्तां नु तोड़ लैंदा है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी जिदी जान कमली वाला बोले सरकार दे जिक्र दे सुभान अल्लाह कायनाती जान कमली वाला है गिरामी कदर हजरात पत्थर जड़े बेजान कदे बोले नहीं जदो सोना इशारा कर दो पत्थर भी बोलते हैं क्यों क्योंकि जान कमली वाला है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।